आज तक तो आपा सब वही देखता आया हां कि पार्टी खुदरा उम्मीदवार ने जिताबा के लिए हर कोशिश करे, हर तरह को प्रचार करे और जनताओं ज्यादा से ज्यादा वोट करने री अपील करे। पर इ बार लोकसभा चुनाव रो नजारो बदले हुए है। पार्टी खुदरा उम्मीदवार मैदान में उतार दी और अब इन्हें वोट नहीं करने री अपील कर रही है। इसलिए अब पूरा देश री नजरा इस सीट पर टिकी हुई है और पहली बार हो रही है जब पार्टी बोल रही है कि हमारा उम्मीदवार ने वोट मत दीजो। आ सीट कौन सी है और उसारो माजरो काई है आपने बताऊ ला आज री खास रिपोर्ट में। खमा गणी सा राम राम सा, आप देखना शुरू कर चुका हो झलको राजस्थान। मैं नंदिता आपरे साथ। राजस्थान में लोकसभा चुनाव ने लेर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां वोट मांगने रे लिए ताबड़तोड़ कैंपेन चला रही है। पर आ सबरे बीच राजस्थान की एक यानरी लोकसभा सीट है जटे कांग्रेस जनताओं बोल रही है कि माने वोट मत दीजिए। और सुनकर खे भी हैरान हुई गया ना, पर वो सच है। और लोकसभा सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र है। शायद इतिहास रो पहलो मौको है जब कोई पार्टी खुदरा ही प्रत्याशी के खिलाफ है। दरअसल पहला कांग्रेस और बाप रे गठबंधन की चर्चा चल रही है और गठबंधन की चर्चा के बीच कांग्रेस अर्जुन बामनिया ने टिकट दियो। पर बामनिया एन मौका पर खुदरी जगह अरविंद दामोर रो नामांकन भरवा दिया। विराट कांग्रेस गठबंधन रो ऐलान कर दी तो यूं खफाहूर अरविंद दामोर 8 अप्रैल ने खुद रो नामांकन वापस नहीं लिया। कांग्रेस इस सीट पर भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप के साथ गठबंधन करियो, पर कांग्रेस नेता अरविंद दामोर पार्टी रे साथ बड़ो खेलो कर दिया। अब वो गठबंधन कांग्रेस रे गड़ा की फांस बन गयो। स्थिति आ बन रखी है कि कांग्रेस हाथरा सिंबल पर चुनाव लड़ रही है और दामोर के खिलाफ प्रचार करता वाले लोगों ने बोल दिया है कि आप कांग्रेस रा सिंबल धारी अरविंद दामोर ने वोट मत दीजिए। असबरे चलता कांग्रेस दामोर ने अनुशासनहीनता की वजह 6 साल तक के लिए पार्टी निष्कासित कर दिया। अब भला ही पार्टी अरविंद दामोर ने निष्कासित कर दिया पर सिंबल तो अभी भी अरविंद दामोर के पास ही है। नामांकन वापस नहीं ले बार स्थिति में चुनाव आयोग के पास वही रिकॉर्ड है कि अरविंद दामोर ही कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी है और लिहाजा इस चुनाव में भला ही कांग्रेस चीख चीख कर वो कह रही है कि मैं बीएपी के साथ गठबंधन कर राजकुमार रोत ने समर्थन दे रहा हूं। पर अरविंद दामोर कांग्रेस का चिन्ह पर ही चुनाव लड़ी और इस चुनाव में बाने कांग्रेस ही प्रत्याशी हुबारो फायदो भी मिल सके। उदयपुर संभाग रो वागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा लोकसभा सीट ने कवर करे। 72 साल रा चुनावी इतिहास में कांग्रेस बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 9 बार जीत दर्ज करी है। हालिया संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव में वागड़ की 9 सीटा कांग्रेस जीती है। पर 3 महीना रे मायने वागड़ री राजनीति बदल गई। बदली राजनीति में कांग्रेस री स्थिति अजीब हुई गई है। भारत आदिवासी पार्टी ने समर्थन देने की घोषणा करने के बाद भी कांग्रेस रो प्रत्याशी चुनावी रण में है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर इन नाटकीय घटनाक्रम कांग्रेस री जमकर फजती हुई है क्योंकि कांग्रेस रा गठबंधन रो कंफ्यूजन पार्टी में राय तो फैला दियो। नेशनल लेवल की पार्टी की इस तरह हूँ गठबंधन ने लेट जो सियासी घटनाक्रम देखने ने मिलियो है क्यों कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई है। एक तरफ तो कांग्रेस बीएपी पार्टी से गठबंधन को ऐलान कर दिया, दूसरी ओर पार्टी निष्कासित हुआ अरविंद दामोर अब भी कांग्रेस रा सिंबल पर चुनाव लड़ी। अब लोगों में इस बात ने लेर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अरविंद दामोर कांग्रेस रा सिंबल पर वोट मांगी जबकि कांग्रेस गठबंधन रो हवाला देता हुआ राजकुमार रोत्रे पक्ष में वोट मांग रही है। इसलिए कांग्रेसी वोटर्स कंफ्यूजन में है कि आखिर वोट देवा कौन ने। बड़े सबू दिलचस्प बात आ है कि जी दल ने कांग्रेस वोट देने के लिए कह रही है वे साफ कह दिया कि कांग्रेस रा समर्थन की जरूरत नहीं। यानी दुर्गति तो शायद ही कोई सीट पर कोई राजनीतिक दल की हुई हुली जिसे बांसवाड़ा में कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस उम्मीदवार री घोषणा हुबा के बाद में और अभी तक मां के मैदान में रेभा से कटे ना कटे बीएपी पार्टी का उम्मीदवार जो है और कार्यकर्ता है बा में नाराजगी भी है। आ सबरे बाद भी भारत आदिवासी पार्टी रा उम्मीदवार और 84 विधायक राजकुमार रोत कांग्रेस एक आग्रह करता हुआ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर भारत आदिवासी पार्टी ने समर्थन करता हुआ अगर इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस सीट छोड़े तो मैं और 18 समस्त रहवासी कांग्रेस आला कमान रा आभारी रेशिया और भाजपा ने धूल चटावा। बीएपी उम्मीदवार राजकुमार रोत गठबंधन की दुहाई करवा वाला ट्वीट के बाद कांग्रेस पर दबाव बढ़ियो और कथित तौर पर पार्टी दामोर ने नामांकन वापस ले बारी बात बोली पर बे यहाँ करने से मना कर दिया। बटे ही कांग्रेस द्वारा दामोर ने पार्टी निष्कासित करवा के बाद में अरविंद दामोर एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाया। वे बोलिया कि मारा नामांकन विड्रॉल करवाना ही हो तो जी दिन नामांकन भरियो बी दिन ही मने बता देता, मने पहला पतो होतो तो मैं नामांकन दाखिल ही नहीं करतो, मने क्यों बेवकूफ बनाकर अर्जुन बामनिया और जिला अध्यक्ष फॉर्म भरवाया। 17 साल रो मारो और 40 साल रो मारी मारो राजनीतिक करियर क्यों दाव पर लगाया, क्यों मैंने बलि को बकरो बनाने की कोशिश करी। कांग्रेस पार्टी मैंने निष्कासित करियो है
पार्टी चाहती तो पहला बोल देती, तुम्हें फॉर्म ही नहीं भरते। एक और खास बात आपने बता दी कि आज बीजेपी ने रोकने के लिए जी आदिवासी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर रही है। एक समय पर भी आदिवासी पार्टी ने फलबा फूलबा से रोकने के लिए दूर विरोधी राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस हाथ मिलायो हो। आज सबने देखता वहाँ अभी सीट रो मुकाबलो बहुत ज्यादा रोमांचक होते नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की एंट्री इस सीट पर मुकाबलो बेहद रोचक बना दी है। भाजपा कांग्रेस आया वरिष्ठ नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने इस सीट की जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय राजस्थान री ट्राइबल बेल्ट रो सब बड़ो चेहरो मानो जावे, पर अब बीजेपी अठे तेजी पैर पसार लिया है। हालिया विधानसभा चुनाव में राजकुमार रोत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बाद सब ज्यादा वोट लेकर जीतबा वाला विधायक बनया है। साथ ही चुनाव में बीजेपी 3 सीट पर जीत हासिल करी ही। अब डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर मालवीय और रोत के आमने सामने होने से तय हुसी कि राजस्थान में सब बड़ो आदिवासी चेहरो कौन है। अब मुकाबलो बीजेपी और बीएपी बढ़कर आदिवासी बेल्ट्री सरदारी को हुई गयो है। दोनों में से जो जीती वो ही सरदार मान्यो जाए। हालांकि कांग्रेस रा सिंबल पर अभी मैदान में मौजूद अरविंद डामोर राजकुमार रोत ने कुछ हद तक नुकसान भी पहुंचा सके। आपने कही लगे कांटारा मुकाबला में कौन जीत री पताका लहरासी, कमेंट में लिखकर जरूर बताइयो, क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफी मायने रखे। राजस्थान री खबर आपरी खुद री भाषा राजस्थानी में देखने के लिए सब्सक्राइब करो सिर्फ झलको राजस्थान ने। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर यूं ही आप प्यार और विश्वास। खबर गणेश।